जो अमेंडमेंट बिल हम लाए हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 को अमेंड करने के लिए, ये प्रावधान छोटा है लेकिन उसका प्रभाव बड़ा है। और वैसे भी सर, काफी दिनों के बाद हाउस अच्छी तरह से आज बैठे हैं और अच्छा से चला है, तो इससे माहौल भी अच्छा हुआ, चर्चा का स्तर भी काफी ऊपर उठा है। और खास करके जैसे हमारे सदस्यों ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए हैं उसको पूरा रेस्पॉन्ड अगर नहीं कर भी पाया टाइम के चलते, मगर मैं संक्षिप्त में उसको रेस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा। भारत का जो फैमिली सिस्टम है वो हमारा एक संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा एक सिस्टम है, लेकिन इंडिया के अंदर में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग समुदाय में अपना अपना सिस्टम है। लेकिन ये बात लगभग सबका बराबर है कि फैमिली एक यूनिट होते हैं हमारे देश में सबका। पश्चिम के देशों में इंडिविजुअल आदमी एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, एक एक आदमी अपना अधिकार, अपना फ्रीडम, अपना राइट्स, वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ परिवार ही सब कुछ होता है और ये परिवार का एक बंधन होता है, और ये परिवार एक परिवार दूसरे परिवार से जब रिश्ता जुड़ता है फिर दो परिवारों का मिलन होता है। तो दो लोगों का जब शादी होता है तो सिर्फ दो जनों का नहीं, ये पूरा दो परिवारों को, दो समुदाय को जोड़ता है। इसलिए जब फैमिली कोर्ट्स का बात आता है तो सेंसिटिव होते हैं, और हम चाहते हैं कि कई इश्यू आपने रखा है, मैं उसको जवाब दूंगा कि फैमिली कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना और इस तरह का जो फैमिली टूट जाता है इसको बचाने के लिए, या अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है तो भी सुलह शांतिपूर्वक समाधान हो जाए, इसको कैसे करना है, इसको सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है और कई कदम भी उठाया है। और अभी अभी हमने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कराया, बहुत अच्छा बात हुआ, बहुत हमने चीज़ों पर फैसला लिया है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट जजेस को जब हम बुलाएंगे तो ये फैमिली कोर्ट्स के मैटर और कई जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है इस पर मैं रोशनी डालने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपील करने वाला हूँ। नंबर्स ऑफ केसेस को कम कैसे किया जाए और जो लोग इस केस में जुड़े हुए हैं उसका हम क्या मदद कर सकते हैं। देखिए, हम मीडिएशन बिल भी लेके आने वाले हैं और ज़्यादातर इस कई फैमिली कमर्शियल इश्यूज जो है वो मीडिएशन में जा सकते हैं। कॉन्सिलेशन का प्रोसेस है, परंपरा है हमारे कॉन्सिलेशन का, लीगल काउंसलिंग हम देते हैं, और हमारे नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला के और तहसील के जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ हमने अभी अभी नालसा के साथ एग्रीमेंट किए हैं कि लीगल एड काउंसलिंग इस साल से पूरा फ्री किया जाएगा। किसी हमारा जो देश का अभी जयपुर में मैंने अनाउंसमेंट करके आए हैं, हमारे देश में कोई भी नागरिक पैसे नहीं है, उसको लीगल एड नहीं मिल रहा है, छोटा छोटा केस के लिए भटकते हैं, उसके लिए पूरा सरकार नालसा के माध्यम से, हमारे पैनल लॉयर्स है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, हमारा सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर के उसको इस्तेमाल करते हुए हम लीगल एड देने के लिए तैयार किया है। और हम टेली लॉ के माध्यम से, न्याय बंदूक का तरीके से हम सबको सेवा करने के लिए मोदी सरकार पूरा जोरदार से काम कर रहे हैं। और जब हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। और आज रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का विधि और न्याय कानून मंत्री बना है और अब तक, आज तक भारत के इतिहास में जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हमने अपॉइंट कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल उसमें मेरे ऊपर में उन्होंने क्लियर कट उनका गाइडेंस है, लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जो, क्योंकि वो जज बनने जा रहे हैं और नाम हमारे पास आए हैं और हमको लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि हम आंख बंद करके उसको साइन कर दे, वो नहीं हो सकता है। सरकार एक ड्यू डिलीजेंस का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस
हमारे पास तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के जो कलेजियम के पास वो तंत्र नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो जजेस का बैकग्राउंड, उनका कारनामा, उसका करतूत, उसका बैकग्राउंड, उसका अचीवमेंट जो भी है वो सरकार के पास होता है। वो सुप्रीम कोर्ट को तो हम सजेशन देते हैं कॉलेजियम को। तो इसलिए कि पिछली बार सदन में भी हमारे एक तृणमूल के सांसद ने बार बार चार पांच नाम को लेकर के जिक्र के जो ठीक नहीं था कि इन नामों को आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो इस तरह का अगर हम नाम लेकर के सदन में चर्चा करेंगे तो फिर एक गलत परंपरा साबित हो जाएगा। जो बड़ी बातें रखी हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारा पेंडिंग केसेस और बाकी कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ों को मैं अगर आपको पूरा बताऊंगा तो आप भी सचमुच में मानेंगे कि जो पिछले 50 साल 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 8 साल में किया है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है खास करके लोअर जुडिशियरी के लिए, हालांकि लोअर जुडिशियरी और हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना राज्य सरकारों का प्राइमरी जिम्मेदारी होते हैं। जो टोटल केसेस इस देश में पेंडिंग है 5 करोड़ के आंकड़ा की ओर जा रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत लोग बहुत हल्के में इसको कह देते हैं कि सरकार क्या कर रहे हैं, ये इतना करोड़ केसेस पेंडिंग है, लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से सवाल पूछ देते हैं सोशल मीडिया में, टेलीविजन में। तो मुझे दुख होता है कि आप जब सवाल गंभीर सवाल पूछते हैं तो उसको अंदर तक जाकर के ये क्यों होता है उसको भी देखना चाहिए। और कोई कोर्ट को भी गालियां देती हैं, और मैं बिल्कुल इसका पक्ष में नहीं हूं कि कोर्ट्स के बारे में गलत बात करें, खास करके सदन में तो हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स को भी काफ़ी गलत शब्दों से अटैक करते हैं। ये सारा चीज़ को समझना चाहिए। अब देखा एक जज होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा जो पेंडिंग है उसका कारण कुछ और है, कई कारण है, वो कारण को कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितना केसेस डिस्पोज किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, उसका डबल केसेस आ रहा है, इसलिए पेंडिंग बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि केसेस सर, इट इज नॉट दैट केसेस आर नॉट सेटल्ड, केसेस आर सेटल्ड मोर, बट डबल द नंबर्स ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड एवरी डे, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस आ गया है। इस मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न जमाने में, इस आधुनिक युग में लोग ज्यादा कोर्ट जा रहे हैं, हर एक मैटर छोटा से लेकर के बड़ा चीज कोर्ट जा रहे हैं। तो इतने केसेस, करोड़ों केसेस कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए कई कई जजेस एक दिन में 200 केस 300 केस भी सेटल करते हैं। ये भी मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने तारीफ किया है। उस दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जज ने 300 से ऊपर जज एक दिन में डिस्पोज किए हैं। तो ऐसे भी होता है सब, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भी बैठते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज है हमारे देश में, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ये सब चीज़ों को कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाउस में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के अगर एक बार चर्चा हो जाए तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है, और ये भी पता चलेगा कि कितना काम कोर्ट को करना चाहिए और कितना कोर्ट राज्य सरकारों को और आगे कोर्ट का संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कई चीज होते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, यहाँ मैं काफ़ी लीगल बैकग्राउंड के लोग मालूम है इस चीज़ को, लेकिन मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि कभी कभी पेंडिंग ऑफ केसेस को लेकर के लॉ मिनिस्टर को सीधा जवाब मांगता है कि आप क्या, कभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, बोलता है ये लॉ मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो इस तरह का जो सवाल आते हैं तो मुझे तकलीफ होता है जवाब देने में। लेकिन सर, मैं अपना बात को समाप्त करने से पहले कि मैं ये कह सकता हूँ कि जुडिशरी को मजबूत करने में, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में मोदी जी ने जो दिखाया है, जो हिम्मत किया है, जो मेहनत किया है, जो सपोर्ट किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए हमारा देश का एक ये बहुत बड़ा हमारा पंचायत लोकसभा है, आज इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल में चर्चा लेने में आप लोगों ने योगदान दिया, सुझाव दिया, कई सुझाव ऐसे हैं मैंने लिखा है, यहाँ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं मन में रखा हूँ, नोट करके रखा हूँ, उसमें भी कार्रवाई मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।